नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी जो हम अपने घर में लगाते हैं, आपको पता है उससे हम कितने काम कर सकते हैं। घड़ी हमारा समय होता है, हम अपना समय अच्छा कर सकते हैं। घड़ी हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, घड़ी के ऊपर धूल मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। घड़ी हमें कभी भी बंद करके नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर हमें घड़ियाँ गिफ्ट में मिलती हैं या हमें दो घड़ी अच्छी लगी बाज़ार से और अच्छी लगी, हम लेके स्टोर कर लेते हैं। तो बंद घड़ियाँ हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, उससे हम अपने समय को बांध देते हैं, हमारा अच्छा बुरा समय बंद जाता है। तो हमें बंद घड़ियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। आप घड़ी जितनी भी घर में रखते हैं वह हमेशा चालू अवस्था में होनी चाहिए। घड़ियाँ कभी भी दान में ना तो देनी चाहिए ना कभी लेनी चाहिए। घड़ी गिफ्ट करने या लेने से हम अपने लिए परेशानियाँ खड़ी कर लेते हैं। तो घड़ी कभी भी आप ना तो किसी को गिफ्ट करें और ना कभी किसी से लें। अब हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में जो हमें परेशानियाँ आ रही हैं वह हम घड़ी के ज़रिए यानी कि समय के ज़रिए कैसे दूर कर सकते हैं, इसलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले मैं आपको बताऊँगी नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपको लगता है कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है या मेरा व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, पैसे की तंगी है, किराए की दुकान है पर किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको अपने घर के नॉर्थ में घड़ी लगानी चाहिए। यह घड़ी ब्लू, ब्लैक और सिल्वर कलर की होनी चाहिए। आपने घड़ी तो ले ली, ब्लू, ब्लैक या सिल्वर, जो भी आपको कलर मिल गया। अब आपको करना क्या है, एक वाइट कलर का पेपर लेकर उसको सर्कल काटना है, उसमें से एक सर्कल काटिए। जब आप सर्कल काट लेंगे तो ब्लू, ब्लैक पेन कोई भी जो आपको आसानी से मिल जाए, उस सर्कल के अंदर अपनी विश लिखिए। जो भी विश है आपकी वे प्रेजेंट टेंस में, जैसे अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो उसमें लिखिए मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, मेरे प्रमोशन के भी चांसेस हैं। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, पैसे की तंगी है, तो मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा है, मेरे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है। ऐसे करके आपने उस पेपर पे लिख लेना है। फिर उसके बाद उस पेपर को आपने दीवार के ऊपर चिपकाना है। जो आपने लिखा हुआ है वो सामने की साइड दिखना चाहिए, उसके ऊपर आपने घड़ी लगानी। जो आप लिख रहे हैं उसके ऊपर आप घड़ी लगाएंगे, आप देखिएगा धीरे धीरे जो आपकी इच्छा है वह पूरी होने लगेगी। अगर आपको जॉब की प्रॉब्लम है तो जॉब मिलने के चांसेस बनने लगेंगे। आपके व्यापार में कोई परेशानी है तो व्यापार अच्छा होना लगेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपकी विश है वो आपने प्रेजेंट टेंस में लिखनी है कि वह चीज़ आपको मिल रही है। अब मैं आपको बताऊँगी ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपके नेम फेम में कोई प्रॉब्लम है या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आप कोई पॉलिटिकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं पर आपको तरक्की नहीं मिल रही है, या आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है पर सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता, तो उसके लिए आपको घड़ी ईस्ट में लगानी है। आपको एक रेक्टेंगल वॉच लेनी है और रेक्टेंगल वॉच आपने लेनी है ब्राउन कलर की, यह वुडन होना चाहिए। अब इसके लिए आपको पेपर भी रेक्टेंगल कट करना है। उस रेक्टेंगल पेपर पर डार्क ब्राउन कलर से आपने अपनी विश लिखनी है कि आपका जो भी काम है कि आप मेरे को बहुत मान, अपने इस काम में बहुत मान सम्मान मिल रहा है, मेरे को बहुत अच्छी प्रमोशन मिल गई है, जो भी आपका काम है, या मेरे को महालक्ष्मी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो रही है, मेरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, ऐसे लिख के सेम आपने ईस्ट में पहले वो पेपर चिपकाना है, उसके ऊपर फिर आपने रेक्टेंगल वॉच लगानी है। और जब आप ये लगाएंगे पूरी श्रद्धा भक्ति और भाव से लगाइए कि मैंने अभी ये काम कर दिया, मेरा ये काम अब जल्द से जल्द पूरा होना लगेगा। आप देखिएगा जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको धीरे 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 पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊँगी वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपको बच्चों से कोई प्रॉब्लम है या बच्चों के साथ अनबन चल रही है या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत तरक्की करें, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं जो आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या आपको संतान योग नहीं है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है पर संतान सुख आपको चाहिए, या आपकी जीवन साथी आपस में नहीं बन रही है, उन लोगों को वेस्ट में घड़ी लगानी चाहिए। आपको एक गोल घड़ी लेनी है और वह
घड़ी ब्लैक और सिल्वर कलर की, येलो कलर की, तीन में से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। सर्कल लीजिए और उसके ऊपर येलो पेन से अपने विश लिखिए, जो आप चाहते हैं। जिनको संतान सुख नहीं है वे लिखिए कि मुझे बहुत अच्छी संतान हुई है, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो लिखें कि हमारी आपस में बहुत अच्छे से बनने लगी है। जो ये चाहते हैं कि किसी से उनका अफेयर है पर घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो हमारे घर वाले मान गए हैं और हमारा अच्छे से विवाह घर परिवार की सहमति से हो गया है। ऐसे लिख के फिर आपने वो पेपर वेस्ट की डायरेक्शन में लगा कर उसके ऊपर फिर आपने वॉच लगा देनी है। ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा आपको जल्द ही जो भी आपकी इच्छा है वह पूरी होने लगेगी। और अब रह गया साउथ। साउथ में सिर्फ एक ही तरीके की वॉच लगती है, वह लगती है वुडन की ब्राउन कलर की वॉच, और वो पेंडुलम वॉच होनी चाहिए। और अगर आपको कोई नेम फेम की प्रॉब्लम है, मान सम्मान की प्रॉब्लम है, आप किसी बड़े ऊंचे पद पर रहना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए और एक स्थिरता आनी चाहिए, तो आप साउथ में पेंडुलम वाली वॉच लगाइए जिसमें पेंडुलम हिलता है, जैसे पुराने ज़माने में लगती थी ना घंटे वाली घड़ियाँ, उस तरीके से वो वॉच लगाइए। तो उस वो वुडन की होनी चाहिए, ब्राउन कलर की होनी चाहिए। उसमें आपने ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन या लाइट ऑरेंज कलर के पेपर पर ब्राउन कलर से अपने विश लिखनी है कि मुझे बहुत नेम फेम मिल रहा है, या मैं जिस पद पे हूँ मैं बहुत अच्छे से कार्य कर रहा हूँ। ऐसे करके फिर वो पेपर आप साउथ में लगाइए, उसके ऊपर वो वॉच लगा दीजिए। और आप देखिएगा जब आप ये करेंगे तो विद इन 7 days आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ हमें चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम पूरा विश्वास रखें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करें, तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों यह थी जानकारी कि हमें घड़ी कहाँ लगानी चाहिए। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय माता दी।